और चलिए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। आ रही है कर्मचारियों को लेकर के या अन्य विभाग को लेकर के, वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगी। अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली हमारे लिए जरूरी है। सर, आपकी तरफ जो है सभी देश के और प्रदेश के सभी कर्मचारी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। सर, क्या ऐसा होगा कि पहली कैबिनेट में आप द्वारा जो है पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए? समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। करनी हमारे कहीं भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा, कथनी और करनी में। ये उत्तर प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश नहीं है। ये विस्तार से जिस समय मैनिफेस्टो समाजवादी सरकार का आएगा, क्योंकि आउटसोर्स से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हक और सम्मान वो छीना जा रहा है, उस पे भी समाजवादी पार्टी विचार कर रही है और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, अपना वर्चुअल रैली भी जैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बातें भी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी, वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी। उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। बहुत सारी चीजें हैं। आउटसोर्स कोई अच्छी प्रथा नहीं है, एक्सप्लॉटेशन के अलावा उसमें कुछ नजर नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्स चीजें हैं, ये जो हमें अधिकार मिल रहे हैं संविधान से, आरक्षण का कैसे खत्म किया जाए, वो आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन है एक रास्ता।